हे गाइस, ये ऑडिट क्या होता है, चलो देखते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड अकाउंटिंग में मेंटेन होता है, पर यह सारा रिकॉर्ड करेक्टली मेंटेन हुआ या नहीं, यह कैसे पता चलेगा? बिजनेस में लाखों ट्रांजैक्शन होते रहता है, वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो जाते हैं, पर इतने सारे ट्रांजैक्शंस एक्यूरेटली रिकॉर्ड हुए या नहीं, यह जानने के लिए उसको चेक करना पड़ता। तो बेसिकली ऑडिट वही प्रोसीजर है। ऑडिट मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड को एग्जामिन करना है, इंस्पेक्ट करना है, और रिकॉर्डिंग में जो इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल वगैरह लिखा है उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। ऑडिट से अकाउंटिंग रिकॉर्ड की एक्यूरेसी पता चलती है। अगर कहीं पे फ्रॉड हुआ है तो ऑडिट में वो चीज़ पकड़ी जाती है। तो ऑडिट ये इंश्योर करता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेक्ट है और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ये ऑडिट कौन करता है? कंपनी के सीनियर एम्प्लॉयज इंटरनली ऑडिट कर सकते हैं, या फिर कंपनी किसी एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करके ऑडिट करवा सकती है। कंपनी में और बड़े बिजनेस में इंडिपेंडेंट ऑडिटर अपॉइंट करना कंपलसरी होता है। इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट करने की अथॉरिटी होती है। ऑडिट करते वक्त ऑडिटर सारे ट्रांजैक्शन चेक करते हैं, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, कंपनी के रॉ मटेरियल को फिजिकली इंस्पेक्ट करते हैं। ऑडिटर के कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं। ऑडिटर बिना किसी रोक टोक के कंपनी का सारा रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट एग्जामिन कर सकते हैं, एम्प्लॉय को क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कंपनी के फैक्ट्री या प्लांट पे विजिट भी कर सकते हैं। ये सारे रिव्यू के बाद ऑडिटर अपना रिपोर्ट मैनेजमेंट को सबमिट करता है, उसे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट कहते हैं। अगर अकाउंटिंग में कुछ कमियां हैं तो वो भी इस रिपोर्ट में मेंशन की जाती है। शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के लिए ऑडिट रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कंपनी के परफॉर्मेंस की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।